नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ में। एक फूड इंस्पेक्टर की सनक उसे ले डूबी। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर राजेश विश्वास छुट्टी मनाने के लिए खेरकटा परलकोट जलाशय गए थे, जहां उनका महंगा फोन जलाशय में गिर गया। फोन की खोज में 15 फीट तक भरे जलाशय का पानी 3 दिन में पंप से निकाल दिया गया। फिर फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का फोन बाहर निकाला गया। अधिकारी की ये कारगुजारी खबरों में आ गई। सरकार तक बात पहुंची तो एक्शन हुआ। कांकेर कलेक्टर ने फूड इंस्पेक्टर को आनन फानन में सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे सहयोगी मिंटू सिकदार इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए नजर आए। आप भी देखिए, पखांजुर में खड़े हैं और आपको बता दूं, कुछ दिन से एक खबर काफी प्रचलित हो रहे छत्तीसगढ़ में कि एक फूड इंस्पेक्टर ने जो तालाब के पानी, जो नहर है परलकोट क्षेत्र का, परलकोट जलाशय कहा जाता है, वहां से पानी को निकाल के अपने मोबाइल को निकालने के लिए अपने पर्सनल यूज किया गया। जो खबर है काफी प्रचलित हो रही है, आज उस खबर की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हम हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही नाली है, वही डैम का पानी आके यहाँ स्टोरेज होता है। हालांकि इस पानी का जब ग्रामीणों से बात किया गया तो इस पानी का कहीं उपयोग नहीं है ऐसा बताया गया है। कैमरा को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे दिखा कितना खाली किया गया, देख सके 2 से 3 फीट ही यहाँ पे पानी खाली हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे सहयोगी ग्रामीण भी मौजूद है और ग्रामीण से भी बात करते हो, क्या कहते हैं भाई, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम आशीष तालुकदार। यहाँ पे जो ये छोटे डैम के टाइप पे यहाँ पे पानी जो स्टोरेज होता है, ये पानी किसी काम का है? नहीं, यहाँ पे पानी किसी काम का नहीं है, बस यहाँ पे लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, नहाने घूमने के लिए आते हैं बस। एक बात कही जाती है, जब किसान लोग सिंचित करके अपने खेत को जो भी जोतते हैं तो ये पानी किसी किसान किसी यूज के लिए होता है, किसानी कार्य के लिए? नहीं नहीं, खेती बाड़ी के लिए ये पानी कोई खेती बाड़ी के लिए काम नहीं आता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रामीण थे उनका भी कहना है कि ये जो पानी है किसी भी किसी प्रकार का कृषि कार्य उपयोग नहीं होता है। जिस अधिकारी पे एक आरोप लग रहा था वो अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते कि क्या कारण था, उनका मोबाइल कैसे गिरा था और किस लिए वो इतना छत्तीसगढ़ में नाम से पंगाने जा रहे। क्या आपने पूरा पानी निकाला है? नहीं, इसमें से कितना फीट खाली किए होंगे? 10 फीट गहरा है ये टंकी का, हाइट जो है 10 फीट है और इसमें से लगभग 3-1 फीट। और यहाँ का जो पानी था आपने कहाँ फ्लो किया था? ये पानी एक्चुअली क्या है, नॉन यूजेबल है, ये बाहर जाता नहीं है। तो मैं ये पानी, चूंकि मैं एक अधिकारी भी हूँ, पानी किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, तो मैं सोच रखते हुए ये अपने डीजल पंप यहाँ पे लगा के उस पानी को निकाल के जो बाजू में ये जलाशय का जो नहर है, जो किसान जो एक्चुअली यूज करते हैं, उस नहर में ये पानी मैंने निकासी करवा दिया ताकि वो पानी यूज हो जाए। क्या लगता है ये पानी आप जो नहर में डाले इससे किसी किसान को फायदा या लाभ क्या हुआ होगा? नहीं, ये पानी जो निकासी में करवाया तो ऑब्वियसली ये फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये पानी, अभी जो पानी यहाँ पे है टंकी में, ये पानी कभी निकल ही नहीं सकता। ये टंकी में हमेशा स्टोरेज रहता है और लगभग ये पानी सड़ जाता है एक टाइम बाद, और बारिश आते आते फिर ये भर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जिस अधिकारी का मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो पानी है किसी कृषि जो कार्य में यूज नहीं होता है। मेन जो ये खरकट्टा है इसे उधर उस साइड में जो है पूरा पानी स्टोरेज होता है और इधर से नाली रहता है, जो नाली से होते हुए जो क्षेत्र के जो किसान है वहां तक जो है पानी पहुंचते हैं। हालांकि इस पानी का जो उपयोग किया गया था, पानी को जो सिंचित किया गया था, आगे देखना चाहेंगे, ये पानी को ये इसी नाले में डाला गया था ताकि यहीं से जो है पानी आगे जा सके और यहाँ से आगे जो किसान जिनका खेत आता होगा वो यूज कर सकते हैं। अगर बात किया जाए पानी की तो पानी भी कहीं खराब नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि जो ये पानी यहाँ पे है, यहाँ पे जो स्टोरेज हुआ था, वो किसी प्रकार से कृषि कार्य में उपयोग नहीं होता। अनादि टीवी ने पूरा ग्राउंड जीरो पे आके जो सच्चाई है ये जनता तक पहुंचाया है। मैं मिंटू सिकदार, अनादि टीवी, कांकेर।